डिस्काउंट बेसिकली हम लोग को एडमिन पैनल में बनाना रहेगा। एडमिन में हम लोग आइटम में जाते हैं, यहाँ पे दो डिस्काउंट देखते हैं, होता है डिस्काउंट और एक फ्रेंचाइजी डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग क्रिएट करते हैं और फिर फ्रेंचाइजी को असाइन करते हैं। तो हम लोग एक ही डिस्काउंट बना के दो फ्रेंचाइजीज को भी असाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स बना सकते हैं, वो असाइन कर सकते हैं। सो डिस्काउंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, डिस्काउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड जितने भी डिस्काउंट्स हैं वो सारे दिख जाएंगे डेट्स के साथ में। हम लोग को जो भी नया डिस्काउंट ऐड करना है, सो हम लोगों को ऐड न्यू डिस्काउंट पर क्लिक करना होता है। अब जब हम डिस्काउंट क्रिएट करते हैं तो डिस्काउंट हमारे पास तीन अलग अलग जगह के लिए बनते हैं। एक होता है पॉस के लिए, एक होता है वेब एडमिन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। तो हमको अगर कोई डिस्काउंट बनाना है जो सिर्फ पॉस पे देना है तो ये सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ वेबसाइट पे देना है तो ये सिलेक्ट करेंगे, और अगर मोबाइल एप्लीकेशन पे देना है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट कौन सा दे रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब डिस्काउंट हमारे पास जो होते हैं वो टाइप, चार टाइप के होते हैं। ये तो अप्लाई कहाँ कहाँ होगा वो हमने देख लिया, दूसरा होगा टाइप क्या क्या होंगे। तो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं या फिर कैशबैक दे रहे हैं, या कूपन दे रहे हैं, या फ्रीबी दे रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं, ये चार तरीके से हमारे पास काम करता है। तो जब हम लोग डिस्काउंट्स पे क्लिक करते हैं तो डिस्काउंट भी फिर अगेन दो टाइप के हो जाते हैं कि डिस्काउंट हमको किस पे देना है, बिल पे देना है या फिर आइटम पे देना है। और अगेन फिर ये होता है कि बिल पे है या आइटम पे है, ये हमको डिफाइन करना होता है। अब अगर मैं बिल पे डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं किसको दे रहा हूँ, रेगुलर डिस्काउंट दे रहा हूँ हर कस्टमर को मिलेगा, या वेलकम ऑफर है तो जो सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑर्डर करेगा उसको मिलेगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। उसके बाद होता है कि आप ये जो डिस्काउंट दे रहे हो वो डिस्काउंट आप कैसे दे रहे हो, परसेंट में दे रहे हो, अमाउंट में दे रहे हो, या परसेंट ओवर परसेंट दे रहे हो, ये हमको यहाँ पर डिफाइन करना होता है। डिस्काउंट किस कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए है, मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है, कपल्स के लिए है, किसके लिए है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, या ऑल के लिए है, और कस्टमर जनरल सभी के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप के लिए। जैसे हम लोग फ्रंट पे अभी कस्टमर ग्रुप बना रहे थे, जहाँ पे हमने एसओपी और ऐसे दो कस्टमर ग्रुप्स बनाए थे, एसओपी एंड वॉक इन। तो ऐसे आप जो ग्रुप, जैसे टीसीएस आपने एक ग्रुप बना दिया उसके लिए कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो सिर्फ जो उस ग्रुप के कस्टमर्स होंगे उनको मिलेगा। एम्प्लॉई ग्रुप बना दिया उनका जो डिफाइन किया उसको मिलेगा। तो ये हमको डिफाइन करने होते हैं। स्टेटस यहाँ से दिख जाता है, ये डिस्काउंट किस डेट से स्टार्ट होगा और किस डेट को एंड होगा, ये दोनों डेट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इन डेट के बीच में ये जो डिस्काउंट होगा वो सारे डेज मिलेगा, या पर्टिकुलर मुझे कोई डिस्काउंट सिर्फ ट्यूसडे को देना है, या सिर्फ थर्सडे को देना है, सिर्फ फ्राइडे को देना है, या सिर्फ संडे को देना है, तो मैं बाकी को अनचेक कर सकता हूँ। कि मुझे सिर्फ सैटरडे संडे के लिए कोई डिस्काउंट बनाना है तो मैंने बाकी को अनचेक कर दिया, सिर्फ सैटरडे संडे को ऑन रखा, तो ये डिस्काउंट सैटरडे संडे को ही अप्लाई होगा ऑटोमेटिकली, बाकी किसी भी डे में अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम क्या होगा, तो अगर आपको पूरे 24 घंटे रखना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपको पर्टिकुलर टाइम स्लॉट की, दिन में 3 बजे से 5 बजे तक जो ऑर्डर करेगा उसको ये मिलेगा, या रात को 11 से 12 के बीच में कोई ऑर्डर करेगा, या 10 से 12 के बीच में कोई ऑर्डर करेगा तो उसको मिलेगा, तो टाइम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद असाइन कस्टमर ग्रुप्स, ये हम लोगों ने देख लिया। डिस्काउंट हम लोगों ने परसेंट है या परसेंट और परसेंट है ये हमने डिफाइन कर दिया। परसेंट तो सिंपली हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट है 10% देना है तो वो हो गया। अगर हमको परसेंट और परसेंट करना है तो 10% + 10%, तो 10% हम लोगों ने डिस्काउंट दिया, फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस आया उस पर और 10%। लाइक अगर हम लोगों को किसी प्रोडक्ट पे 20% + 20% देना है, 50% + 50% देना है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। डिस्काउंट नेम बेसिकली होता है कि आप यहाँ पे क्या डिस्काउंट बना रहे हैं। मान लीजिए आप बना रहे हैं आइटम, है ना, तो आपको यहाँ पे कोड वर्ड लिखना होता है ताकि डिस्काउंट देख के आपको समझ में आए, आइटम 10 और ऑल। मतलब ये मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरे आइटम पे 10% ऑल प्रोडक्ट, या फिर अगर मैंने किसी कैटेगरी के लिए करना है कि मेरे को एग्जॉटिक पे करना है तो मैंने EX लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया फैब 2021। तो फैब 2021 के लिए आइटम डिस्काउंट है 10% एग्जॉटिक कैटेगरी पे, तो ये आपने शॉर्ट कोड में लिख दिया ताकि ये फ्रंट में दिखे तो आपको समझ में आ जाए। और जब अपने पास रिपोर्ट निकल के आएगी कि किस डिस्काउंट से मेरे पास कितनी सेल हुई, तो वहाँ पे आपको ये नाम मिल जाएगा। तो हमने ये किया कि हमको ये वेबसाइट पे देना है तो वेब पे देंगे, तो वेब। अगर आपको यही पॉज के लिए भी बनाना है तो आपको वापस बनाना पड़ेगा क्योंकि तीनों अलग अलग बनते हैं।
हाँ, अब परसेंट मैं बता सकता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे वेब डाला, अब डिस्काउंट देना है मुझे, डिस्काउंट देना है आइटम पे, और ये मुझे देना है रेगुलर, सभी को देना है। 19 तारीख से मेरा डिस्काउंट स्टार्ट होगा और 29 तारीख तक चलेगा, है ना। इसको अपन अप्लाई करेंगे तो ये लाइव पे हो जाएगा, तो इसको अप्लाई करें या नहीं करें चलेगा, है ना। तो अपन 5% का डिस्काउंट अप्लाई कर लेते हैं, या इसकी मैं तारीख फिर 20 तारीख तक ही कर देता हूँ, तो फिर भी एक दिन चलेगा, है ना। और इसको मैं सारे डेज कर देता हूँ, ताकि अभी कोई भी डे हो तो ये अप्लाई हो जाए। टाइमिंग अपन ने पूरा टाइम दे दिया, सारे कस्टमर्स को दे दिया। ग्रुप्स अपन कोई स्पेसिफिक ग्रुप असाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसको अपन नो कर देते हैं तो ग्रुप हट जाएगा। परसेंट वाइज डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउड विद अदर डिस्काउंट कर रहे हैं, तो कैशबैक या कुछ और चलेगा उसके साथ में भी ये चल जाए, तो मैंने इसको यस कर देंगे। अब इसी का डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि आपने ऐड किया कोई और देखे भी, एडमिन देखता है रिपोर्ट्स में देखते हैं, तो वो क्लियर हो जाए कि ये डिस्काउंट क्या है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, ये क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब ये मेरे को कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे लगाना है, अब ये सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हैं फ्रेंचाइजी में, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो हमारे पास चेक ऑल का भी ऑप्शन होता है, या फिर हमको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए करना है तो वो प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग ये एडमिन से क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने को दोनों फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट दिखेंगे, फ्रेश के भी दिखेंगे और उधर के भी दिखेंगे। बट अगर हम इसको कैटेगरी वाइज भी फिल्टर करना चाहते हैं, तो कैटेगरी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज मुझे फिल्टर करना है, सपोज मैंने यहाँ पे कैटेगरी कर लिया डेली वेजिटेबल, तो ये सारे डेली वेजिटेबल आ गए। मैंने इसको चेक ऑल कर दिया, तो ये मेरी सारी डेली वेजिटेबल्स जितने भी हैं वो यहाँ पे दिखने लग गई। अब यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी कि उसको इस डिस्काउंट को अचीव करने लेने के लिए कितना मिनिमम परचेस करना पड़ेगा, कि एक क्वांटिटी लेगा तो मिलेगा, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, 3 क्वांटिटी तक ही उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। और हर प्रोडक्ट पे आप कितना कितना परसेंट दे रहे हो यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे। सो जैसे सभी में हम लोग करेंगे तो टाइम लगेगा, हम लोग ये शुरू के जो 3 प्रोडक्ट हैं तीन प्रोडक्ट पे कर लेते हैं। हाँ, सभी में डालना पड़ेगा, जैसे 30% जिस प्रोडक्ट पे अपन को डिस्काउंट देना है वो प्रोडक्ट, हाँ उस प्रोडक्ट पे डालना पड़ेगा। अब मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी 3 और परसेंट कितना देना है हमको, 5%, तो ये हम 5 डाल लेते हैं, ये 1, ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये 4 प्रोडक्ट पे हम लोगों ने इस कैटेगरी के 4 प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट दे दिया। बाकी सेटिंग्स हम लोगों ने उधर से देख लिया, उसको सिंपली सेव कर देना होता है। ये डिस्काउंट सेव हो गया, ये हमारा आइटम वाइज डिस्काउंट था, ये सेव हो गया। अब ये डिस्काउंट यहाँ दिख जाएगा, आइटम 10x Feb 2021, कितनी तारीख को अप्लाई हम लोगों ने किया है, इसका डिस्काउंट का टाइप क्या है, कौन सी एप्लीकेशन पर किया है, या आइटम है या बिल डिस्काउंट है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको व्यू करना है तो हम यहाँ से इसको पूरा व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये डिटेल पूरा दिख जाएगा कि हमने इस पर्टिकुलर डिस्काउंट में क्या सेट किया हुआ। तो ये अपना एक हो गया आइटम डिस्काउंट, अब अपन देख लेते हैं बिल डिस्काउंट कैसे काम करता है। बट अगर हमको कहीं पे प्रिंट करना है या वेबसाइट पे दिखाना है कट करके, तो हमको आइटम डिस्काउंट, जैसे अभी हमारी वेबसाइट पे दिखता है पालक 10 रुपये, बट हम चाहते हैं कि वहाँ पे 30% डिस्काउंट दे के और 7, तो 10 कट के और 7 दिखे, तो फिर हमको आइटम डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। तो जो आइटम डिस्काउंट बनेगा वो ही अपने को फ्रंट पे दिखेगा। इसको अपन वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये वाला क्रिएट कर लिया आइटम 10x, अब इसको हम लोग असाइन करने के लिए जाते हैं फ्रेंचाइजी डिस्काउंट। फ्रेंचाइजी डिस्काउंट में हमको इसको फ्रेश में अप्लाई करना है, ये प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे करने के बाद अब मुझे कौन सा डिस्काउंट अप्लाई करना है, 1 item discount application। ओके, अभी हम लोगों का एक आइटम डिस्काउंट ऑलरेडी अप्लाइड है, इसलिए दूसरा अप्लाई नहीं होगा। सर ये हटा के आप करते हैं, तो इसको अपन हटा देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो अभी अपन ने ये वाला ऐड किया और इसको क्रिएट कर दिया। हम एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया 5% discount। ये लॉन्ग ब्रिंजल पे हम लोगों ने किया था, 12 रुपये प्राइस था,
5% ऑफ हो गया, ₹11.40। इसके अलावा हम लोगों ने जहाँ पे भी लगाया था, दो चार आइटम में लगाया था, तो हम लोग सारे आइटम्स देख लेते हैं। ये रहा एक स्मॉल प्रिंटर, इसमें भी आ गया, चार आइटम्स पे हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो अगला डिस्काउंट टाइप है, बिल डिस्काउंट। तो बिल डिस्काउंट में भी अगेन हम लोग न्यू पे जाते हैं, ये भी हम लोग वेब के लिए ही बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक मैंने ये किया वेब पे मैंने कर दिया इसको बिल डिस्काउंट, फिर ये बिल पे डिस्काउंट है, रेगुलर है, 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये 21 तारीख तक चलने वाला है, सारे दिन चलेगा, सारे टाइम पे चलेगा। डिस्काउंट हम लोग सभी को दे रहे हैं, कस्टमर ग्रुप कोई भी डिफाइन नहीं है, सभी कस्टमर्स को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो अमाउंट डिस्काउंट दे रहे हैं, परसेंट हमने देख लिया, एक अमाउंट डिस्काउंट देख लेते हैं। अमाउंट हम लोग कितना दे रहे हैं, तो ₹50 का डिस्काउंट दे रहे हैं। मिनिमम बिल अमाउंट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम बिल अमाउंट होना चाहिए 499। तो अगर किसी का 499 का बिल होगा तो ₹50 उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। कस्टमर की डिस्काउंट लिमिट कितनी है, तो हम लोगों ने क्या कर दी, वीक और वीक में 1, मतलब एक कस्टमर एक वीक में एक बार ही ये डिस्काउंट ले पाएगा, दूसरी बार नहीं ले पाएगा। अगर हम इसको डे करना है या वीक करना है, मंथ करना है, तो भी कर सकते हैं, या फिर ऑफर पीरियड कर सकते हैं कि ये जो 19 से 21 तक में वो एक ही बार इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल डिस्काउंट लिमिट टाइप मींस कि ये जो बिल डिस्काउंट है ये टोटल कितने लोगों को मिलना चाहिए। तो अगर हम मैंने इसको कर दिया कि ऑफर पीरियड में सिर्फ जो नंबर ऑफ बिल्स हैं वो 50 हैं, तो शुरू के जो 50 ऑर्डर्स आएंगे उन्हीं को ये मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। 50 ऑर्डर जो आएंगे, हाँ, शुरू 50 के जो इनवॉइस जनरेट करेंगे उनके, नहीं जो ऑर्डर करेंगे, जिन्होंने भी ऑर्डर किया, तो शुरू के 50 लोगों को वो दिखेगा ऑफर, बाकी उसके बाद दिखना बंद हो जाएगा। ये लिमिट है। दूसरा डिस्काउंट अमाउंट लिमिट, जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया ₹500 कि इस डिस्काउंट में मेरे को ₹500 ही खर्चा करना है, तो जैसे ही ₹500 रीच हो तो ये ऑफर बंद हो जाए। तो आइदर वो पहली कंडीशन मीट करेगा या दूसरी कंडीशन मीट करेगा और ऑफर को बंद कर देगा। ये ज़्यादा काम करता है परसेंटेज के केस में, जैसे अपन ने डिफाइन कर दिया कि यार मुझे ₹1000 आज डिस्काउंट में बांटने हैं और मैं 10% दूंगा, मिनिमम ऑर्डर ये होना चाहिए, तो किसी का उससे ज़्यादा होगा कम होगा, तो किसी ने बहुत ज़्यादा कई ऑर्डर कर दिया और चार ऑर्डर में ही खत्म हो गया तो डिस्काउंट अपना खत्म, या कम हुआ तो नंबर ऑफ डिस्काउंट बिल्स ज़्यादा होंगे जिस पर डिस्काउंट लगाया, तो ये अपन डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को स्पेंड कितना करना है डिस्काउंट के ऊपर। सो वो यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे। अलाउ विद अदर डिस्काउंट, यस करना है या नो करना है, अगर यस करेंगे तो कोई अगर कूपन कोड लगाएगा तो ये लगने के बाद भी कूपन कोड से उसको जो मिलने वाला है वो मिल जाएगा। ये दोनों कंडीशन है। यहाँ पे अपने को डिफाइन करना है, तो हम लोगों ने किया कि बिल अमाउंट 50 499 1, तो ये अपना क्लियर हो गया कि भाई मेरा ये बिल डिस्काउंट है और अमाउंट पे है, ₹50 का डिस्काउंट है, मिनिमम 499 पे और एक यूज़र को एक ही मिलेगा। सो ये मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। तो आप ऐसे अपनी जो भी एक लैंग्वेज है वो प्रिपेयर करके रख सकते हैं अपनी SOPs में, कि जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको बता दिया तो ये काम करेगा। अब परसेंट वो मैं बता देता हूँ, परसेंट अपने को, परसेंट नहीं है, डिस्काउंट अमाउंट पे कर रहे हैं अपन, किसी पे 50% करेंगे तो नीचे 30% परसेंट करेंगे तो यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, तो आपने 10 कर दिया तो 10% हो जाएगा। हाँ, जैसे अपन ने आइटम पे किया था वैसे अपन बिल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन अमाउंट कर रहे हैं तो अमाउंट पे आ रहा है। अब ये मेरे पूरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, अब इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस एलिजिबिलिटी में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे वो भी अपन कर सकते हैं, कि मैं चाहता हूँ भाई स्मॉल ब्रिंजल आना चाहिए या सब कुछ आना चाहिए सिर्फ कैप्सिकम छोड़ के, कि कैप्सिकम अगर बिल में हो तो उसका अमाउंट छोड़ के 499 होना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो उस केस में ये होगा कि कैप्सिकम अगर उसने ऐड की है और उसको मिला के ₹500 हो रहा है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैप्सिकम के अलावा उसका 500 का, हाँ दिख जाएगा, वो भी अपन फ्रंट पे चल के देख लेते हैं। इसमें अगर सर लिमिट नहीं रखना है जैसे यहाँ पे वैल्यू में, हाँ तो यहाँ क्या डालेंगे, कुछ भी डाल दीजिए ना, 500 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, कहाँ पे ये मिनिमम तो रखना पड़ेगा कि मिनिमम इतने का बिल होना चाहिए, आप उसको ₹10 कर दीजिए, ₹100 कर दीजिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आपका डिस्काउंट तो क्योंकि फिक्स है,
परसेंट में अगर अपन जाते हैं, लाइक मैं इसको परसेंट करके देख लेता हूँ, मैंने परसेंट किया तो ये पूछता है डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, मैंने डाल दिया 10% और डिस्काउंट पर बिल लिमिट तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 50, तो किसी को भी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10% मिलेगा बट 50 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। या मैंने इसको कर दिया 100, तो क्या होगा, किसी ने 500 का बिल किया तो उसको 50 रुपये मिलते हैं, किसी ने 1000 का किया तो 100 रुपये मिलेंगे, बट उसने 2000 का भी कर दिया तो भी उसको 100 रुपये ही मिलेगा डिस्काउंट। तो परसेंट में लिमिट होती है क्योंकि अमाउंट में तो फिक्स है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 50 ही मिलेगा, वो कितने का भी कर ले, 500 से ऊपर कितना भी ऑर्डर कर ले, 5000 का करेगा तो भी 50 ही मिलेगा। बट परसेंटेज के केस में अपर लिमिट एक लगानी होती है कि परसेंट में भी अपर अमाउंट लिमिट क्या है आपका डिस्काउंट का, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया, इसको मैं अगेन अमाउंट कर देता हूँ और अमाउंट पे मैंने इसको 50 रुपये कर दिया और ये ऑफर पे लिमिट लगा दिया है। अब अपन यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट इसमें एप्लीकेबल है वो अपने को चेक करने होते हैं, वो अपन ने सारे चेक कर दिए, सिर्फ कैप्सिकम को अनचेक कर दिया। कैप्सिकम में भी 250 ग्राम वाला जो वेरिएंट है उसको, यहाँ पे जो आइटम्स आते हैं वो सारे वेरिएंट वाइज आते हैं, तो आइटम आपको अगर गुआवा है 3 वेरिएंट में तो तीनों दिखेंगे उसमें से, अगर हो सकता है कि हमको डिस्काउंट आधा किलो वाले पे नहीं देना है, 1 किलो वाले पे ही देना है, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने कैप्सिकम 250 ग्राम को इसमें से आउट रखा है, बाकी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे इन रखा है और इन करके इसको हम लोगों ने सेव कर दिया। ऑल में सब, तो ऑल चेक कर दिया, तो यहाँ पे तो हमको क्योंकि ये बिल डिस्काउंट है इसलिए एक एक आइटम में डालने की जरूरत है, आइटम वाले में एक एक आइटम पे डालना होता है, बिल वाले में सिर्फ आपको बिल पे डिफाइन करना होता है। तो आपने बिल पे डिफाइन कर दिया, आप यहाँ पे आपका ये डिस्काउंट बन गया, बिल अमाउंट 54.99। अब सेम इसके लिए भी हम लोगों को यही करना है, फ्रेंचाइजी डिस्काउंट पे जाना है, यहाँ पे हमारा फ्रेश है, फ्रेश में जाके अब मुझे कौन सा डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अभी हम लोगों ने बनाया बिल अमाउंट 54.99, इसको सेव कर देना है। तो ये मैंने, ये आइटम वाला है, आइटम वाला एक ही होगा, ये बिल टाइप का है, बिल टाइप का दूसरा हो सकता है, बिल टाइप के एक साथ में मल्टीपल भी असाइन कर सकते हैं। अच्छा, आइटम वाला बस एक होगा, आइटम वाला एक ही होगा जी। तो ये अपन फ्रेश को असाइन कर रहे हैं, फ्रेश को मैंने यहाँ से असाइन कर दिया, ये फ्रेश को असाइन हो गया। अब अपन यहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं अब ये दिखेगा कैसे, वो समझ लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ सिंपली, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने आइटम ऐड करना है, तो मैंने ये आइटम ऐड करना चालू कर दिया, ये भी ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, ये कैप्सिकम भी ऐड कर लिया। ठीक है, आधा किलो का करा था, हाँ 250 पे किया था मैंने, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन आते हैं कार्ट में, तो मेरा कार्ट वैल्यू हो गया 155 है ना, तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, फोर नाइन्टी नाइन के ऊपर लेगा। अब ये मेरा 497 हो गया, अब मैं एक ही और बढ़ा देता हूँ, ये 506 हो गया। मैं व्यू कार्ड देखता हूँ, व्यू कार्ड में आया, इसने मुझे अभी कोई भी ऑफर डिस्काउंट नहीं दिया क्योंकि मेरा ये कैप्सिकम है। मैंने बॉटल ग्राउंड को ऐड किया, ये डिस्काउंट आ गया, बिल अमाउंट 50। ये तो वहाँ पे जो आप नाम देते हैं वो यहाँ दिख जाता है और ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया और यहाँ पे क्या दिख गया आपका डिस्काउंट 50 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे सब टोटल आपका इतना हो गया, डिस्काउंट होने के बाद टोटल बिल यू हैव सेव 51.25। तो 50 रुपये तो आपका डिस्काउंट और एक अपना आइटम पे डिस्काउंट है जो अपने स्मॉल ब्रिंजर लिया होगा जिस पे अपना कहीं पे डिस्काउंट बर्ता ब्रिंजर ये रहा, इस पे अपन ने ये लिया तो ये 25 से अपने को ये तो ये टोटल आपका कितना डिस्काउंट हो गया। ये अगर इस तरीके से अपन ने और भी डिस्काउंट लगाए होंगे, मतलब बिल डिस्काउंट अपन एक से ज़्यादा बना सकते हैं, तो सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल दिखेंगे, अब उसको कौन सा लेना है वो डिसाइड कर लेगा उसने, अगर ये कस्टमर को दिख जाएगा कि आज के ऑफर क्या क्या है। तो अपन ने मान लो 499 पे अगर अपन ने दो ऑफर दे दिए तो उसको दो ऑफर दिख जाएंगे, तो दोनों में से उसको कौन सा सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट करेगा वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गए कन्फर्म पे, तो कन्फर्म पे वो यहाँ पे आया, यहाँ से उसने एड्रेस सिलेक्ट किया, यहाँ पे सेम टोटल दिखा रहा है। अब यहाँ पे
उसने डिलीवरी स्लॉट सेलेक्ट कर लिया। डिलीवरी स्लॉट के बाद अगर उसको कोई कूपन कोड उसके पास अवेलेबल है तो वो डाल सकता है। सो अभी अपने पास कूपन कोड अवेलेबल नहीं है, एक टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने बनाया था, अगर वो अभी अप्लाई होगा तो देख लेते हैं। TCS नाम से उसको अप्लाई किया, इनवैलिड प्रोमो कोड। अगर प्रोमो कोड होगा तो प्रोमो कोड का भी डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इसका ये अमाउंट रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद ये ऑर्डर कर देगा। तो ये प्लेस ऑर्डर किया अपन ने, डन। तो ये अपना ऑर्डर प्लेस हो गया, आपको भी जो आएगा वहाँ पे डिस्काउंट भी दिख जाएगा। तो ये अपन ने देख लिया आइटम डिस्काउंट, सॉरी बिल डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट के बाद अपन अगला डिस्काउंट देख लेते हैं, कूपन कोड वाला जो डिस्काउंट होता है। सो डिस्काउंट में आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें बनाना चाहे वो बना सकते हैं। अब डिस्काउंट अपने को कूपन कोड बनाना है, जैसे जो एप्लीकेबल ऑन है, अगर हम तीनों सेलेक्ट करना है एक बार, तीनों एक बार में नहीं होंगे, आपको अलग अलग सेम डिस्काउंट भी अगर तीन जगह देना है तो आपको तीन अलग डिस्काउंट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमको मान लेते हैं, हम देते हैं बी फ्रेश, ये हम लोगों ने एक कूपन कोड दे दिया, ये हमारा कूपन कोड है बी फ्रेश, ये हमारा वेबसाइट पे अप्लाइड है और वेबसाइट पे अपन ने इसको दिया है बिल डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट हमारा रेगुलर है और ये भी हमारा 21 तारीख तक एप्लीकेबल है, सारे डेज में है। और डिस्काउंट को हम लोग कर देते हैं परसेंट में, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज हम लोगों ने कर दिया 10%। मिनिमम बिल अमाउंट इसमें हम लोग कर देते हैं, इसको भी 499 कर देते हैं। और डिस्काउंट पर बिल लिमिट हम लोग इसकी कर देते हैं 100 रुपीज़। डिस्काउंट लिमिट बाय कस्टमर ऑफर पीरियड 1। बिल डिस्काउंट लिमिट टाइप ऑफर पीरियड, नंबर ऑफ बिल डिस्काउंट लिमिट ये हम लोगों ने कर दिया कि 500 बिल तक हम लोग ये डिस्काउंट देने वाले हैं। अमाउंट जो है वो हम लोगों ने कर दिया 10,000 रुपये तक हम लोग डिस्काउंट देंगे। इसका मीनिंग बता दीजिए सर एक बार। बिल डिस्काउंट डिस्काउंट पर बिल लिमिट, मतलब एक बिल पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट जा सकता है। जैसे क्या होगा, जैसे 500 रुपये का किसी ने खरीदा तो 10% के हिसाब से उसको 50 रुपये डिस्काउंट मिला, बट उसने अगर 1,000 रुपये का खरीदा तो उसको 100 रुपये मिला। अगर उसने 2,000 रुपये का खरीदा तो 10% के हिसाब से 200 होना चाहिए, बट हमारी लिमिट लगी है 100, तो उसको 100 का ही डिस्काउंट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये हमको यहाँ डिफाइन करना होता है। अब हमारा ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये कैशबैक है, जो हम लोग कैशबैक नहीं सॉरी कूपन है। हम यहाँ पे कूपन डिफाइन कर रहे हैं, तो कूपन में हमारी ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने सेट कर दी, ऑफर पीरियड भी सेट कर दिया। यहाँ पे हमको कूपन कोड डालना होता है, तो यहाँ पे हम डालेंगे बी फ्रेश 10 डाल देते हैं। बी फ्रेश 10 तो बी फ्रेश 10 हम लोगों ने डाल दिया। यहाँ पे भी हम लोग ये करते हैं कि इसका नाम क्या है, तो बी फ्रेश 10 और 499 100 रुपीज़ कैपिंग, ठीक है। सो ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने लिख दिया, जो भी लिखना है। अब इसमें भी हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, तो एप्लीकेबल प्रोडक्ट्स हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें से हम कॉलीफ्लावर को आउट कर देते हैं, इसमें, ठीक है। अब कॉलीफ्लावर आउट हो गया, अभी हमारा ये बन गया बी फ्रेश 499 पे, मैंने इसको सेव कर दिया। सो अभी हमारा ये कूपन कोड जनरेट हो गया, यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमको दिख जाएगा कि बी फ्रेश 10, इसका कूपन कोड देखना है तो व्यू करेंगे, हमको कूपन कोड दिख जाएगा, इसका कूपन कोड ये है। कूपन कोड दो तरीके से होता है, एक ही कूपन कोड हर यूज़र के लिए चलेगा, एक तरीका होता है कि हमको ऑफर का कुछ कोड देना है जो हर कस्टमर को वो कोड उसी के लिए, मतलब एक कूपन कोड एक ही बार यूज़ होगा, वो भी हम बना सकते हैं। तो हमने अगर 1,000 कोड जनरेट किए, 1,000 लोगों को मैसेज कर दिए, तो हर किसी का कोड एक एक बार ही काम करेगा, तो अगर वो यूज उसने यूज कर लिया तो दूसरी बार नहीं कर पाएगा, तो वो चीज होगी, मतलब एक कस्टमर हाँ, एक बार यूज कर सकता है। और वो वाला है कोई भी एक कोड कोई भी एक कस्टमर यूज कर पाएगा, जो अपन मल्टीपल कूपन कोड जनरेट करते हैं। ये अपन ने सिंगल कूपन कोड यूज किया है 500 कस्टमर के लिए, तो 500 कस्टमर तक इसको यूज कर सकते हैं। अब ये डिस्काउंट बन गए, अब इसको हम लोग फ्रेश में जाके असाइन करेंगे, फ्रेश असाइन, ये हमारा बी फ्रेश है, इसको असाइन कर दिया, ये असाइन हो गया। अब फ्रंट में जाते हैं, वापस से हम लोग प्रोडक्ट्स को देखते हैं, डेली वेजिटेबल्स ये मैंने ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, कॉलीफ्लावर को भी ऐड कर लेते हैं, इसमें हम लोगों ने कॉलीफ्लावर को
जैसे अपन ग्रोसरी में ऑयल घी पे अपन इंक्लूड भी करते हैं ना, ये दोनों का डिस्काउंट नहीं मिलेगा जैसे इसमें अपन प्रोडक्ट वो कर सकते हैं। इसमें एग्जॉटिक में नहीं देना है या किसी पर्टिकुलर में नहीं देना है या आलू प्याज में नहीं देना है, सो वैसे आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो ये सारे प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर लिए, यहाँ पे आपका कार्ट वैल्यू हो गया इतना, ये कितना है 250। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, अभी ये अपना कितना हो गया 418। अभी मैं अगर इसको अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, दिखेगा ज़रूर कि मुझे इतना कर लो तो इतना मिल जाएगा, तो उसको दिखता रहेगा कि हाँ भाई मुझे कितना बढ़ाना है, तो उसने इसको बढ़ा दिया। जैसे ही लिमिट के ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, तो अभी ये लिमिट यहाँ पे इसका पहुँच गया 518 पे ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इसने इसको कंफर्म किया तो ये कार्ड कंफर्म हो गया, एड्रेस सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, डेट टाइम ये उसने सिलेक्ट कर लिया, प्रोमो कोड हमने डाला था BFRESH10, तो BFRESH10 अप्लाई, ये अप्लाई हो गया। सो यहाँ पे हमको ये कितना दिखा रहा है, डिस्काउंट 106 हो गया, तो हमारा 50 रुपये पहले का डिस्काउंट लगा था, 50 रुपये हमारा इसका डिस्काउंट लग गया। अब ये अपन देख लेते हैं फ्री भी, कि आपको किसी चीज़ के साथ में कुछ फ्री देना है तो वो कैसे बनेगा, और फिर अपन देख लेंगे कैशबैक की, कैशबैक कैसे मिलता है। अब मुझे कुछ फ्री देना है, वेब एप्लीकेशन पे देना है, फ्री भी देना है, तो फ्री भी को मैंने सेलेक्ट किया। अब फ्री भी जो मुझे देना है वो देना है, हाँ आप मुझे आइटम बता दीजिएगा, आइटम अगर एडिट होगा तो अपन उसको ले लेंगे, एडिट है ठीक है। तो ये फ्री भी हमने सेलेक्ट किया, बिल पे सेलेक्ट किया, रेगुलर पे सेलेक्ट किया, ये हम लोगों ने डाल दिया कि ये 21 तारीख तक है, ये डेट सिलेक्टेड है, ऑल कैटेगरी के लिए है, सारे कस्टमर ग्रुप्स के लिए है, मिनिमम डिस्काउंट बिल अमाउंट कितना डालना है, कितने पे है, 999 कर देते हैं, तो 999 पे करना है, और एंटर फ्री भी आइटम, इसमें कितने फ्री भी आइटम देना है अपने को, एक देना है या दो देना है, एक देना है, तो अपने एक सेलेक्ट कर दिया। फिर डिस्काउंट लिमिट पर कस्टमर कितनी देनी है, कितनी बार वो ये ऑर्डर कर सकता है, एक एक दे दिया। बिल डिस्काउंट टाइप लिमिट, फ्री CL तो हम लोग कुछ भी फ्री दे रहे हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया हम लोगों ने कि कैलेंडर हम लोग फ्री दे रहे हैं। अब हमारा फ्री भी आइटम क्या है वो यहाँ से डिफाइन होता है, जो ये नीचे है ना ये, अब इसमें से मुझे फ्री क्या देना है, ये अब मैंने इसको चेक कर लिया। अब ये मुझे कितने में देना है, जीरो में देना है, या मुझे अगर ये भी करना है कि आप कितने का खरीदो तो ₹1 में आपको ये आइटम मिल जाएगा, तो वो करना है तो आप यहाँ पे वो प्राइस भी डाल सकते हैं। अब दूसरा आइटम इसके साथ में आपको क्या देना है, पिज्जा कटर, पिज्जा कटर ये आइटम भी सर उधर ही खोलना पड़ेगा आइटम में जाकर, हाँ आइटम आपको वहीं बनाने होंगे, वहाँ पे आप बना लीजिए तो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, उसका उसका ई कॉमर्स स्टेटस नो रखिएगा, वो वैल्यू जीरो नहीं लेता, मतलब कुछ तो डालना पड़ता है, हाँ वैल्यू तो डालनी पड़ेगी आपको, प्राइस तो डालना ही है ना उसका, डालना ही है, डालो यहाँ से आपका फ्री भी प्राइस में, फिर आप उसको एडजस्ट कर लो। तो मैंने ये अगर ये डालना है पिज्जा कटर, तो मैंने ये पिज्जा कटर भी ऐड कर दिया, तो मेरे दो आइटम यहाँ पे ऐड हो गए। अब सर इससे ज्यादा नहीं होंगे, नहीं दो से ज्यादा नहीं होंगे, अगर आप तीसरा फिर तीसरा अगर बढ़ाना हो तो वहाँ तीन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तीन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर तीन होंगे, इस तरीके से काम करेगा। दोनों अपने तीसरा अगर मैंने सिलेक्ट किया तो तीसरा सिलेक्ट करूंगा, तो अगर मैं दो से ज्यादा सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वहां पे मेरे को तीन दिखाएगा, और कस्टमर सिलेक्ट कर सकता है कि मेरे को कौन से दो चाहिए,
तो अगर अपने चार आइटम रख दिए, कॉलेंडर भी रख दिया, पिज्जा कटर भी रख दिया, बैग भी रख दिया, कस्टमर को बोला चूज कर लो आपको क्या चाहिए फ्री में, तो वो चूज कर सकता है। हाँ, फिर वो बिल में दिख जाएगा, बिल में ऑटोमेटिक नहीं जुड़ेगा उनके इसमें, ऑटोमेटिक नहीं जुड़ेगा, उसको दिख जाएंगे। अगर आपने दो है तो दो ही रखें तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने दो के बाद एडिशनल जो कस्टमर को ऑप्शन मिल जाएगा कि मुझे ऑप्शन में क्या चाहिए। अब ये जो मेरा फ्रीबी है उसके लिए जो भी मेरा बिलिंग अमाउंट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, ये सेम है जो अपन बिलिंग डिस्काउंट पे करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती है। सो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको सारे आइटम्स दिख रहे हैं, ये सिंपली इसको अब सेव कर देना होता है। हमने ये डिफाइन कर दिया फ्रीबी में आइटम क्या दे रहे हैं, सारी चीज़ें डिफाइन कर दी है, इसको सेव कर देंगे, ये सेव हो गया, ये फ्री सीएल, ये आपका फ्री सीएल यहाँ पे आ गया। आइटम में जाना है, फ्रेंचाइजी डिस्काउंट, फ्रेंचाइजी हमको फ्रेश को साइन करना है, फ्रेश पे गए, फ्री सीएल को सिलेक्ट किया, सेव कर दिया। बिल डिस्काउंट टाइप के आप मल्टीपल एक साथ में एक्टिव कर सकते हैं जितने चाहें उतने, बट आइटम डिस्काउंट एक ही कर सकते हैं, ये एक लिमिटेशन रहता है। सो अब सिंपली हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं किसको कितना परसेंटेज देना है उसमें, वो आप एक्टिव कर ले टाइम टाइम पे, आप जैसे उसको किसको एक्टिव करना है उसको एक्टिव रख दिया, उसको हटा दिया, तो आपने अलग अलग बना के रख दिया, तो वो बना के आप एक्टिव डीएक्टिव असाइन कर सकते हैं। ग्रुप्स कर लीजिए सर, उसमें जल्दी हो जाएगा, महंगे आइटम है इसमें, एक्जोटिक ले लो इधर आप, चार पांच आइटम में तो चार्ज ही होगा, ये अपन यहाँ पहुँच गए 925, इसको अपन एक और बढ़ा देते हैं, ये हो गया। अब व्यू कार्ड पे पहुँच गए, ये हमारा लिमिट क्रॉस हुआ, अब कस्टमर एक ही है इसलिए ये वाला अप्लाई नहीं होगा, तो अब मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को ये सिलेक्ट एनी टू, तो अब मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास अगर यहाँ पे चार होते तो चार में से मैं दो ही सिलेक्ट कर पाता, तो मेरा एक वो तो अप्लाइड है। अब वो अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक बार ले चुका हूँ, उसी यूजर से लॉग लिमिट लगाई है, तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट मैं यहाँ पे, और इस जगह पे होता भी ये है कि आप दो में से एक ही यूज कर सकते हैं, और सिस्टम ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ा ऑफर होता है वो आप अप्लाई कर देता है, बट फिर भी कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि कुछ और उसको चेंज करना है। तो ये दोनों आइटम दिख गए, पिज्जा कटर एंड ये, कन्फर्म किया, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे उसका टोटल आइटम जो भी सारी चीज़ें दिख रही है, प्राइसिंग दिख रहा है, टोटल आइटम दिख रहा है, कितना उसने सेव किया वो दिख रहा है। अगर वॉलेट में कुछ बैलेंस होगा तो वो ये यूज़ वॉलेट कर सकता है, अभी कुछ भी वॉलेट में अमाउंट नहीं है तो दिखा रहा है। उसने डेट टाइम सेलेक्ट किया और इस सर इसमें वो डाली ना, सो ये अपना ऑर्डर प्लेस हो गया।